पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुना आपने, वो आई है। कौन? आहा, कैसे अनजान बन रहे हैं, जैसे कुछ मालूम ही नहीं। ये दास्तां है एक ऐसी अभिनेत्री की। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी ये शुरुआती दौर में फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन आगे जाकर इन्होंने सुपर स्टारडम हासिल किया। नाम है इनका पद्मनी कोल्हापुरे। मेरे मन में आज तक कभी ये विचार नहीं आया कि मैंने इसे जन्म नहीं दिया, बल्कि हमेशा मैं इसे अपनी औलाद, अपना खून, अपने जिगर का टुकड़ा समझती रही। जन्म 1 नवंबर सन 1965 में हुआ। 3 बहनों में ये दूसरे नंबर पर रहीं। इनके पिता पंधारीनाथ कोल्हापुरे एक जाने माने म्यूजिशियन रहे और इनकी माताजी का नाम निरुपमा कोल्हापुरे। इनकी बहन शिवांगी कपूर ने शक्ति कपूर से विवाह किया। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और अभिनेता सिद्धांत कपूर इनकी भांजी भांजियां हैं। You know, it feels, can't even tell you what it feels like. इनकी छोटी बहन तेजस्वी कोल्हापुरे भी फिल्मों में अभिनेत्री हैं। जैसा कि इनका नाम सुझाता है, इनका परिवार महाराष्ट्र के कोल्हापुर इलाके से आता है। छी 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 छी, सारा काम मुझे को करना पड़ता है। चाय मैं बनाऊं, गोबर मैं उठाऊं, और तू वहां पठानी की तरह बैठी सारा दिन किताब पढ़ती रहती है। क्योंकि बचपन से ही इनके घर में संगीत का प्रभाव था। इनके पिताजी बहुत अच्छी वीणा भी बजाया करते थे, इस वजह से इन्होंने भी संगीत सीखा और बतौर गायिका इन्होंने फिल्मों में काम किया। भोले मत बनो, सब समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। महान गायिकाएं लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी रिश्ते में इनकी बुआ लगती हैं। यादों की बारात, किताब, दुश्मन दोस्त, सभी फिल्मों में इन्होंने अपनी बहन शिवांगी के साथ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट गाने गाए थे और फिर ये फिल्मों में काम भी करने लगी। चल अंदर आ। अरे तू, तेरी दीदी का? वो तो घर में खर्राटे मार के सो रही है। और जो मेहंदी मैंने उससे दी थी वो उसने नहीं लगाई और तूने लगा ली। हाँ। फिल्म ड्रीम गर्ल कौन भूल सकता है। हालांकि कुछ ऐसी फिल्में भी सामने आईं जिनमें इनका अभिनय तो अच्छा था लेकिन कोई ना कोई विवाद भी जुड़ा रहा, जैसे कि काले जादू पर आधारित फिल्म गहराई, जिसमें इन्होंने एक स्कूल जाने वाली लड़की का किरदार निभाया था। अरे रे, ऐसे कैसे, मैं हूँ ना। ये बात भी गौर करने लायक है कि इनकी बुआ आशा भोसले ने देवानंद साहब से कहा था कि क्यों नहीं आप पद्मनी को अपनी फिल्म इश्क 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 में किरदार निभाने के लिए देते हैं। देव साहब ने इनकी बात मानी और वहाँ से एक तरह से इनकी शुरुआत हुई। एक छोटे बच्चे को ये मालूम नहीं होता कि उसने किसकी कोख से जन्म लिया है, उसे तो सिर्फ ये मालूम होता है किसकी तरफ से उसे प्रेम मिलता है और वो उसी को माँ कहता है। इनकी माता जी दरअसल एयर इंडिया के लिए काम किया करती थीं। जब देखा कि पद्मनी कोल्हापुरे का करियर परवान चढ़ रहा है तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और पद्मनी कोल्हापुरे के साथ ही जुड़ गईं। सन 1977 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में पद्मनी कोल्हापुरे ने जीनत अमान के बचपन का किरदार निभाया था। सन 1980 में इन्होंने इंसाफ का तराजू में एक बार फिर जीनत अमान की बहन का रोल निभाया और इसमें कुछ ऐसे सीन्स थे जिन्होंने काफी विवाद खड़ा कर दिया था। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। धीरे धीरे बहुत ही कम उम्र में ये फिल्मों में बतौर हीरोइन भी काम करने लगीं। नासिर हुसैन साहब की फिल्म जमाने को दिखाना है और उसके बाद राज कपूर साहब की जबरदस्त फिल्म प्रेम रोग में ये एक बार फिर हीरोइन बनी नजर आई। लेकिन माँ, अगर मैं वहाँ नहीं गई तो उस नन्ही सी जान का क्या होगा, उसे पालना जीजा जी के बस की बात नहीं। तू ठीक कहती है ज्योति, लेकिन अब कर भी क्या सकते। इस बात पे भी गौर करना होगा, जब बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर रही थी तब राजेश खन्ना साहब ने इन्हें एक फिल्म के लिए रिजेक्ट कर दिया था। कौन जानता था कि आगे जाकर ये राजेश खन्ना की हीरोइन बनेंगी फिल्म सौतन में। वाह 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 वाह, बच्चे को जन्म तो दे दिया मगर पालना नहीं आता, नहलाना नहीं आता। अब कौन रोज रोज तुम्हारे घर आके बच्चे को नहलाएगा। दीदी तुम क्यों नहीं नहलाती इसे? देखो मुझे ये सब कुछ करने की आदत नहीं है। हाँ, आदत नहीं। संजय दत्त रहे या फिर अनिल कपूर रहे, इन दोनों ही जबरदस्त अभिनेताओं के शुरुआती दौर में पद्मनी कोल्हापुरे इनकी हीरोइन बनकर आईं। मिथुन चक्रवर्ती के साथ इन्होंने एक फिल्म करी जिसका नाम रहा प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। खामोश, दरअसल अब तुम मेरी खुशियां लेने आई हो, तुमसे मेरा सुख नहीं देखा गया तो उसे उजाड़ने आई हो। एक तरफ तो ये बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रही थी लेकिन बतौर हीरोइन काम करने की वजह से इनकी सिंगिंग जरा पीछे छूट गई और उसके बाद वो मोड़ आया इनके जीवन में जब इन्होंने फिल्मों से तकरीबन संन्यास सा ले लिया। फिल्म रही ऐसा प्यार कहां। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात हुई प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में टूटू शर्मा के नाम से मशहूर हैं। कुछ वर्षों तक इनका प्यार परवान चढ़ा और फिर इनका विवाह हो गया। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ
जिसका नाम रखा प्रियांक शर्मा। पद्मनी कोल्हापुरे फिल्मों से तकरीबन दूर ही हो गई थी, लेकिन सन 2004 में इन्होंने दोबारा एंट्री ली मराठी फिल्मों के जरिए। मंथन, चिमनी पाखर और आशा भोसले की फिल्म माई को कौन भूल सकता है। तुम्हारी बहन कहलाने से तो मर जाना बेहतर है। सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तूने अपनी नीच हरकतों से। खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। पति का हाथ झटक कर जिसके साथ भाग गई उस मुरली की भी जान ले ली तूने। अब किसकी जान लेने आई हो। इन्होंने मलयालम फिल्मों में काम किया, जैसे कि बी के प्रकाश की फिल्म कर्मयोगी। शाहिद कपूर की माँ का किरदार इन्होंने निभाया था कॉमेडी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में। इस बात पर भी गौर करना होगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए इनका नाम चुना गया था। कारण था स्मृति ईरानी उस सीरियल को छोड़कर जा रही थी, पर अंत में वो किरदार गौतमी कपूर ने निभाया। मैंने तो सोचा था वो कहीं और चली जाएगी, यहाँ उसके लिए कौन तड़प रहा था जो वापस आ गई। यकीनन जिस उम्र में हीरोइन फिल्मों में दाखिला लेती हैं, उस उम्र में पद्मनी कोल्हापुरी सुपरस्टारडम हासिल करके फिल्मों से दूर भी हो गईं। ठीक है, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए तुमसे कहा। पर बहुत कम उम्र में इन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया जिसका ख्वाब बहुत सी अभिनेत्रियां सिर्फ देखती ही रह जाती हैं। ये क्या कह दिया आपने? महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।